जिला बिलासपुर के सुरक्षा शाखा टीम ने बामटा के पास एक व्यक्ति से 562 ग्राम चरस पकड़ी है। सुरक्षा शाखा टीम की नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन सुरक्षा शाखा टीम को देखते ही वह घबरा गया। सुरक्षा शाखा टीम ने लड़के पर तुरंत काबू पा लिया। पूछताछ के दौरान लड़के का नाम विनय चौहान, गांव बलक, चारपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि जिले में नशा तस्करी को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके चलते स्पेशल टीम का गठन कर स्थानीय जनता व विभिन्न एनजीओ के माध्यम से तस्करों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है और आगे भी जिला पुलिस का नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान जारी रहेगा। बिलासपुर में हमारे को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं नशे के बारे में, और इसी वजह से हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नशे के खिलाफ एक खास अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत हम हमारी जो दो टीम्स बनी हुई हैं यहाँ पे हमारे ऑफिस से स्पेशल यूनिट्स बने हुए हैं, उनको कल काफ़ी अच्छी कामयाबी उनके हाथ लगी है। एक केस मजारी में दिया गया है बॉबीहस का, और एक केस बांका चौक में यहाँ सदर थाने के जुरिस्डिक्शन में दिया गया है, वो चरस का केस है 562 ग्राम्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग मिशन मोड पे, प्रायोरिटी पे नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हमारे को सारी जनता की और एनजीओस की सबकी सजेशन की जरूरत है, ताकि हमारे को और इन्फॉर्मेशन मिले और हम अच्छे इसमें कामयाबी पा सकें।